का धमकी मिल रहा है कि आरती को नहीं देंगे जीने, तो इस तरह का कौन बोल रहा है आरती को? जितना अपराधी निकला है सब छोटू के साथ हुआ है ना, तो मेरे साथ गलत नहीं हुआ, वो उसके साथ गलत हुआ तो मेरे साथ गलत नहीं हुआ। कौन सा सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो सब कभी भी नहीं आए घर। अच्छा, घर कभी नहीं, सबका बेल हो चुका है, क्या कहिएगा इसमें? हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यही ना बोलेंगे उस सबको तो बेल नहीं होते थे कि हम लोग तो सोचते नहीं थे कि बेल से जेल से रिहा होंगे वो सब। मैं उसी दरवाजे पर हूँ जिस दरवाजे पर एक समय में काफी भीड़ जुटता था, और यह दरवाजा जो है छोटू आरती के नाम से काफी प्रसिद्ध हो चुका था। कुछ दिन पहले जो है यह दरवाजा का जो गेट है बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी के कारण थोड़ा सा यहाँ पर जो है नोक झोंक वाली बात हो गई थी। लेकिन अब जो नया खबर चलकर सामने आई है वो ये है कि आरती छोटू प्रकरण में जो है जो भी आरती के माता पिता हैं, भाई थे, जो उनकी भाभी थी, और जो भी नामजद 9-10 लोग थे, सभी लोगों का जो है बेल हो गया है, यह बड़ी खबर कहीं ना कहीं है। ऐसे में हमारे बीच यहां पर हैं आरती हैं, मनु हैं, और चाचा जी भी हैं। तो यहां चलिए हम सीधा आरती और मनु जी से पहले बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आपके माता पिता जो हैं, सॉरी माता नहीं, पिताजी, भाई, भाभी, जो भी लोग थे, सबका बेल हो चुका है, क्या कहिएगा इसमें? हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यही ना बोलेंगे उस सबको तो बेल नहीं होना चाहिए। क्यों बेल नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं तो आपके माता पिता हैं, आपको जन्म दिए थे। वो तो बात सही है कि मनु जी इधर आइए, हम कहाँ कहते हैं माता पिता ने कुछ गलती किया है, इसका सजा चाहते हैं। वही ना, गलती किया तो जो गलती किया उसका नहीं बोले, लेकिन जो गलती किया है उसके बावजूद जो थोड़ा तो अति करना पड़ेगा ना, गलती तो गलती होता है। लेकिन यहाँ आप खुश हैं कि दुखी हैं? खुश कैसे? माता पिता के हिसाब से तो आप खुश भी हो सकते हैं कि खुश कैसे रह सकते हैं? जब मेरे साथ गलत किया तुम खुश कैसे रह सकते हैं? आपके साथ कैसे गलत हुआ है? गलत हुआ नहीं, देख सकते हैं ना, गलत तो छोटू के साथ हुआ है ना, तो मेरे साथ गलत नहीं हुआ, वो उसके साथ गलत हुआ तो मेरे साथ गलत नहीं हुआ क्या? तो आपके साथ पूरा गलत हुआ है और बेल हो गया है, बेल से नाखुश है पूरा। हाँ, आप मनु जी क्या कहिएगा? हम भी तो यही बोलेंगे कि बेल तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अब पता नहीं किस तरह हो गया जो कि पापा सब लगे थे। और एक रोज हुआ नहीं आने का धमकी मिल रहा है कि आरती को नहीं देंगे जीने, तो इस तरह कौन का बोल रहा है आरती को? जितना अपराधी निकला है सब बोल रहा है। यानी आपके नजर में जो माता भाई जीजा सब अभी भी अपराधी हैं? अपराधी वो बोले हैं कि जो मतलब आरती को नहीं देंगे जीने, क्योंकि आरती जी के ही वजह से जो है कोर्ट में गवाही हुआ था, इन्हीं का गवाही हुआ था, तभी आपके माता पिता अपराधी साबित हुए थे। मेरे ही वजह से नहीं, पूरा वजह नहीं बोल रहे हैं, आपके गवाही से बता रहे हैं। ऐसे बोले कि वजह से, मेरे वजह से नहीं, मेरे पूरे समाज के आदमी वहाँ थे, वहाँ प्रशासन थे, पापा पूरे ही गांव, वो गांव पूरा समाज थे, पूरा समाज देखे थे किस घर में हुआ, उस घर में कांड हुआ। कहने का मतलब था कि आपके गवाही के वजह से, लेकिन हम गवाही नहीं बोले और वजह बोल दिए, ये हम कह रहे हैं आपको, तो क्या ये सही है कि गलत है? गवाही तो पापा खुद देखे अपने आंखों से। तो चाचा जी तो बोले थे कि आरती चश्मदीद गवाह है। हम ही हैं, पापा भी हैं। अगर देखिए गवाही नहीं होगा तो केस तो नहीं चल पाएगा, बस है कि नहीं सही? तो अभी आप लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग को जीने नहीं दिया जाएगा? बोल तो रहे हैं, सुनाई में तो आ रहा है। आपको फोन करके बोला गया है या किसी के थ्रू बोला गया है? किसी के थ्रू ऐसे बोलते हैं, यहाँ भी रोड पे भी आते हैं तो बोलते हैं। अच्छा, कि रोड पे वो लोग आए थे? अब आए थे, वो थे कि कौन थे, लेकिन उसी रिलेशन का होगा, कोई इस रोड पे भी आते हैं, इस रोड पे भी आते हैं, और रात भर हम लोग को डर होता है। और चार गाड़ी इस पे भी यहाँ पे आके बोला कि घर यही है। अच्छा, चार गाड़ी यहाँ पर बंधा हुआ था, बोले कि घर यही है, और ये भी सुने हैं कि आरती को जीने नहीं देंगे, आरती के वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, मनु जी आपको भी डर लगता है क्या? डर लगने की बात इस तरह धमकी दे रहा है, जब एक अपराध कर चुका है, धमकी दे रहा है तो कर धमकी देता है तो डर तो इंसान को हो ही जाता है। डर नहीं होता है, मतलब ये होता है कि अगर वो लोग एक हत्या किया फिर भी वापस आ गया तो वो लोग को डर नहीं लग रहा है, तो दोबारा भी कर सकता है ना, तो वो लोग को मतलब हाँ बेल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो है ना कानून, पता नहीं आप किस तरह बेल दिया है। अब जो है क्या आप प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं उनसे क्या कहिएगा? आप लोग थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग का बहुत हेल्प किया, जहाँ तक कि बहुत हद से ज्यादा हेल्प किया, इतना जल्द पकड़ा के सबको दिए। यहाँ तो प्रशासनिक पदाधिकारी का काम खत्म हुआ, कोर्ट जाके बात हुआ तो कोर्ट से होगा, और फिर हम लोग को जो होगा सो हम प्रशासनिक कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, मतलब आगे आपका इरादा यही है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेना है? न्याय तो चाहिए।
नहीं चाहिए। तो हम लोग कानून पे भरोसा किए हैं, जहाँ तक होता है वहाँ तक करते हैं। एक भी कहीं भी आता है तो ये रुपया, एक रुपया, दस रुपया नहीं देखते हैं कि रुपया बचेगा यहाँ, ये नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। जितना भी होता है पैसा, जितना भी होता है उतना देते हैं। और एक चीज आरती जी बताइए कि बहुत सारे लोग तो ये भी वीडियो बना करके चला रहे हैं कि आरती जी जो है आंतरिक रूप से यानी भीतरे भीतर जिसको बोलते हैं आप लोग कंप्रोमाइज कर लिए। कंप्रोमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं? नहीं, कुछ वीडियो हम देखे कुछ वीडियो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसे वीडियो तो बोले कि आरती मर गई, आरती के पूरा फोटो तो लगा दिए, वही ना, वो तो फेक न्यूज़ था। ऐसे न्यूज़ पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे न्यूज़ पर कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोग जो है जो भी डिसीजन दीजिएगा, जनता भी कहीं ना कहीं सर्वोपरि होता है। और ऐसे में धमकी इनको लगातार मिल रहा है, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं चाचा, धमकी मिल रहा है? धमकी तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिस दिन से निर्भय यादव आए हैं धमकी उसी दिन से मिल रहा है। निर्भय भी बोल रहे थे कि ये लोग को आप किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे, इसको दोनों बेटा को मार देंगे, तो आरती को भी मार देंगे। एक को तो मारे तो कुछ नहीं हुआ, ना दूसरा को मारेंगे तो क्या होगा? बाहर आइए जो है, फिर लोग को जो है ना दोनों बेटा को मार देंगे, जो कि वो लोग को समझना चाहिए। एक बार गया तो अकल आना चाहिए, लेकिन अकल अभी भी नहीं आया। इस बार अगर ऐसा कोई कांड होता है तो सीधा तो फांसी का ही सजा होगा। वैसे भी अभी भी फांसी का सजा वाला प्रावधान आप लोग मांग कर रहे हैं ना? खेल थोड़ी हुआ है, मौत हुआ है ना, फांसी तो चाहिए चाहिए अभी भी। आरती जी क्या लगता है कि फांसी होना चाहिए उन लोग को? वही तो बोले, कानून जब अभी बेल दे दिया है तो आगे तो कार्यक्रम अभी बाकी है और देखते हैं क्या क्या होता है। हम लोग तो बोलते थे कि हम लोग तो सोचते नहीं थे कि बेल से जेल से रिहा होंगे वो सब, लेकिन हो गया। भाई भौजाई और इंसानियत के नाते आपसे पूछना हम चाहेंगे कि क्या आपको उन लोगों पे दया नहीं लगता है? दया क्यों लगेगा, आप ही बताइए। दया वाला काम करेगा आप ही के साथ, अगर आपका पापा गलत करेंगे तो आप पापा को छोड़ दीजिएगा? बात सही है। आप खुद इस तरह के कमेंट्स को देखते होंगे, इसलिए हमने लोगों के हिसाब से सवाल, लोगों के हिसाब से अगर जो उसी को अगर जो उसका पापा साथ गलत करेंगे वो उसको खुद सोचना चाहिए। अगर मेरे जगह वो गलत रहते हैं इसीलिए ऐसे कमेंट करते हैं। हालांकि देखिए किसी के भी परिवार में अगर ऐसा घटना होगा तो लोग जिंदगी भर आक्रोशित रहेंगे, और चाहे माता हो पिता हो कोई भी हो उसको सबसे पहले सजा दिलाने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आरती अभी भी अपने उसी बात पर अटल है जिस पर ये पहले से थी। बाकी आप तमाम लोगों को क्या कहिएगा इस मैटर पर? बेल हो गया है, बेल हो गया, बेल तो नहीं देना चाहिए हम लोग इसी पे, लेकिन बहुत गलत अफवाह फैला रहे थे कि ये सब जो है ना, जहाँ तक कि छोटू की मम्मी पापा ये सब को कोई याद नहीं था, वहाँ जेल में जाके कोर्ट में जाके पैसा खर्च नहीं किए, नहीं लगाव रहे, इसीलिए बेल हो गया। तो इस तरह कोई बात नहीं है। हम लोग जहाँ तक हुआ कि इस महीने का बात करें तो 40,000 रुपया खर्चा हो चुका है। अच्छा, और जहाँ तक यहाँ से 40,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं कि बेल ना हो। हर एक चीज़ में जब भी हुआ, एक गवाही को 5 बार हुआ तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़े ना जज हैं, हम लोग थोड़े ना वकील हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप यानी कि जज के फैसले से संतुष्ट नहीं है? जज के फैसले से संतुष्ट नहीं है। कानून में क्या होता है नहीं होता वो तो हम नहीं देखने जाते हैं। अब जज क्या, जज साहब क्या करते हैं, वकील साहब क्या करते हैं, लेकिन हम लोग को जैसे जैसे बोलते वैसे तो करते हैं हम लोग। लेकिन इस तरह नहीं ना बोलना चाहिए कि उस सबको कोई भी गम नहीं है, अभी जाके वहाँ पे कोर्ट में क्यों नहीं लड़े? हम लोग तो एनी टाइम 4-4 रोज बैठ के लड़के आए, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग नहीं लड़े हैं। एक गवाही को 5-5 बार किए हैं। तो लास्ट में आप क्या चाहते हैं कि उन लोगों को कौन सा सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो सब कभी भी नहीं आए घर। अच्छा, घर कभी नहीं आए? नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे, इस बात का डर है? इस बात का डर क्या, जब धमकी अभी भी दे सकते हैं तो क्या? तो आप लोग इसके लिए जीने का बात हम लोग के बात ना है, मर्डर हुआ तो उनका मतलब हमको न्याय चाहिए। हम लोग का डर ना है कि हम लोग को कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। आप लोग को जो धमकी मिलता है तो इसके लिए आप दोबारा प्रशासन में जो है आवेदन वगैरह दिए हैं कि नहीं? देंगे आवेदन, आप लोग को जल्द से जल्द दे देना चाहिए अगर ऐसा प्रक्रिया है तो। एक बार ऐसे ही बोले थे तो हम लोग कुछ नहीं दिए, एक बार दे चुके हैं और फिर देंगे।